चलो सर देखो, एक्चुअली क्या है, आज सीधे सीधे डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस, ठीक है सर, जो एग्ज़ाम्स में आए हुए और सीधा टू द पॉइंट। मैं ये इसलिए एग्ज़ाम्स वाले क्वेश्चन बीच बीच में इसलिए कराता हूँ जिससे कि आप लोग लेवल का ध्यान रखें कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ एग्ज़ामिनेशन। हमें ज़रा मज़ा आता है टफ़ क्वेश्चन ढूंढ के लाने का। अरे देखो, ये तो सर से भी नहीं होने का है ना जी, हमसे तो होने का ही नहीं, सर से भी नहीं होने का, और उसमें लगे रहते हैं। सर उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि आप एग्ज़ाम्स का स्टाइल समझें। सर मुझे देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, उस कैमरे को देखेंगे कुछ नहीं होने का, ठीक है। वो तो इसलिए है आप ही के लिए कि मैं इसे वीडियो पर डाल दूंगा यूट्यूब पर, तो आप उसे देखते रहिए। तो होता क्या है सर, आपको किसी भी एग्ज़ाम का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसका पैटर्न समझना। आप कभी किसी आईएएस एस्पायरेंट से बात करिएगा, जिसने आईएएस क्वालिफाई किया उससे बात करिएगा, तो पता क्या कहेगा आपको कि ये मत मालूम करो क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये मालूम करो क्या नहीं पढ़ना है। हम इतना कुछ पढ़ने के लिए तो इतना कुछ है ना, आप पढ़ते रहिए तो उससे नहीं काम चलने का। सर नहीं, ये वाला नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना सा पढ़ना है, उससे काम होगा। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक होता है आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो आपका एकेडमिक होता है, ये हर एंट्रेंस के लिए ज़रूरी है सर, जो मैं बकवास कर रहा हूँ अभी, पढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको वहाँ पे क्या होता है कि सर हमें परसेंटेज बनानी है, तो आप किसकी कोशिश करते हो, एकेडमिक जो भी आपने 10th 12th के एग्ज़ाम दिए हैं कि मेरे 100% मार्क्स आ जाएँ। लेकिन सर एंट्रेंस में मेहरबानी करके परसेंटेज का कोई, जिसे कहना चाहिए, रोल नहीं है। आपको मैं पूरा पेपर सॉल्व करके आऊँगा सर, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है सर। आपको सिर्फ इतने, आपको सिर्फ क्लियर ही तो करना है कि मेरा एंट्रेंस क्लियर हुआ या नहीं हुआ। परसेंटेज तो मायने नहीं रखती वहाँ कि आपके 100% आए थे या 80% आए थे, 90% आए थे। सिर्फ आपको इतना करना है कि जो आपने, आपके पड़ोसी ने किए हैं उससे एक क्वेश्चन ज़्यादा करना है, बस दैट्स इट। कितने सर, किसी ने 10 किया 11 कर दीजिए, 20 किया 30 कर दीजिए, सिर्फ 21 कर दीजिए, सिर्फ इतना सा पता। अब पड़ोसी ने कितने किए हैं ये पता नहीं होता, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, कोशिश, जस्ट ट्राई। और वो भी आपको पता चल जाएगा अगर पेपर आपका टफ आ रहा है, अगर आपका एंट्रेंस का पेपर टफ है, तो ध्यान रखना पढ़ने वालों के लिए अच्छा है। जैसे आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना, अभी पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये अच्छा है कि पेपर टफ आए। क्योंकि अगर एग्ज़ाम्स के अंदर 2+2 पूछा गया, तो सर जिसने पढ़ाई करी वो भी, और जिसने नहीं करी फ़ायदा क्या हुआ। आपकी पढ़ाई, आपकी प्रिपरेशन तो तब काम आएगी ना जब आपसे पूछता नहीं सर 2 की पावर 100 बताओ, तो आपको पता होता, उसको नहीं पता होता, बात समझ आ रही है, तो तब तो फ़ायदा है। तो टफ़ पेपर हमेशा आपके लिए काम आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आप पढ़ाई कर रहे हो और 5 बच्चे हुए हैं जिन्होंने प्रिपरेशन की है, तो सर अगर एक क्वेश्चन बहुत टफ है तो वो उन 5ों के लिए टफ है। पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ, सपोज करो यू वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, 5 स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग, एंड देयर इज अ क्वेश्चन जो आपको टफ लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है उन्हें भी टफ लग रहा होगा, तो आप ये मान के चलिए कि वो अटैम्प्ट नहीं हुआ। यू मे कंसिडर दिस कि वो अटैम्प्ट नहीं, तो इसका मतलब किन में से सिलेक्शन होना है, जो ईजी वाले रह गए, तो वो फिर एग्जाम्स का पार्ट ही नहीं रहा। तो अगर मान लीजिए 170 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं सर कि वो टफ हैं, तो सर आप 150 में से सिलेक्शन होगा, अब सीधी सी बात ही है। तो अब मुझे वहाँ 100 नहीं करना, अब मुझे वो 150 में से करना है कि 150 में से मैं ज़्यादा ज़्यादा कर दूँ। वो 20 तो पूरी दुनिया के लिए टफ है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो इसका आइडिया लेना। तो अब सीधा सीधा से हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में बेस्ड ऑन रेशो प्रोपोर्शन। रेशो में सिर्फ इतना सा ध्यान रखिएगा कि ये आपके पास रेशो है, अगर हम बात कर रहे हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू नंबर्स, सपोज करो इट इज़ 2:3, ठीक है। तो आपको मालूम है आपने दो तरीके से सपोज किया था, कि अगर हम ये सपोज कर लें कि लेट ए इज़ 2x और बी इज़ 3x, और अगर आपको दिया हुआ है कि सम इज़ सपोज करो 300, तो व्हाट इज़ ए, तो आपने किया था 2x, आपने किया था कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 300, तो ए इज़ 2x, बी इज़ 3x इज इक्वल्स टू 300, 5x इज 300, तो x इज इक्वल्स टू 60, x इज इक्वल्स टू 60, अगर x 60 है तो a आपका 2x है, 2 × 60 कितना सर 120, b जो है वो 3x है, तो 3 × 60 इज 180, टोटल इज 300,
एक ये किया था, दूसरा हमने किया था कि नहीं सर अगर हम इसको ऐसे ले लें कि ए इज़ टू बी इज़ टू इज़ टू थ्री, या मैं इसको ऐसे ले लूँ कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा रेशो है, रेशो कितना है सर 2:3, तो इनका जो सम है वो सर 5 है, 2 + 3 = 5, लेकिन जो एक्चुअल सम है नंबर का एक्चुअल सम, ठीक है सर, वो कितना है 300। तो हमने कहा था कि भाई ए जो है 2 है आउट ऑफ 5, हाउ मच इन 300, तो हम ए को डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 2 in 5 आउट ऑन इन 300, तो ये हमने डायरेक्ट किया था, तो कितना सर 120। अच्छा दूसरा अगर बी निकालना है तो उससे निकालिए, नहीं तो आप ये भी सोच सकते हो जितनी तेज़ दिमाग चल सकता हो कि अगर टोटल 300 है एक 120 है तो ऑटोमेटिकली दूसरा कितना, तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे सोच पा रहे हो। तो बी विल बी 3 out of 5, हाउ मच इन 300, दैट विल बी 180। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट, अब इसमें कोई मैथ्स नहीं है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि सर मुझे नहीं आता रेशो प्रोपोर्शन, मैं कह रहा हूँ सिर्फ इतना, और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए अब आप अलग अलग एग्जाम से। और ये मैं सबके लिए कहता हूँ, ठीक है, हर एग्जाम्स के लिए, जॉब के इंटरव्यू में मैं किसी में सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है सर, मैंने बीएड किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो जॉब इंटरव्यू में किसी में सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे फिर वो मैनेजमेंट और फिर वहाँ पे वो रेफरेंस और वहाँ पे फिर वो पैसा सब चलता है, ठीक है। एक बार मुजफ्फरनगर के इस्लामिया इंटर कॉलेज में मेरा इंटरव्यू हुआ, मुजफ्फरनगर कॉलेज कौन सा, इस्लामिया, क्या हालात है मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस की और इंस्टीट्यूशन की वो आप सबको पता है, उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दिल्ली से मैं जा रहा हूँ, बीएड मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, यहाँ कोचिंग चला रहा हूँ, तो नॉलेज वो सारी चीज़ें आप समझ सकते हो कि हाँ कुछ सही सी रही होगी। इंटरव्यू में बैठता हूँ तो इंटरव्यू पैनल वाले पता क्या कह रहे हैं, गालिब का शेर सुनाओ, समझ में आया। तो ये स्टैंडर्ड है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का, आप उम्मीद करते हो कि फिर वहाँ से कुछ प्रोडक्ट निकल रहा होगा। बाद में मुझे पता चला मेरे एक कज़िन है वो माशाल्लाह से एक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, कि भाई वो सीट बिक चुकी थी 3 lakh rupees, उन्होंने मुझसे कहा था अगर इससे ज़्यादा देते हो तो तुम्हारे वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, बगैर इंटरव्यू कर लेंगे। वालेकुम सर, तो एक टीचर के साथ आप इस तरह से मजाक कर रहे हो, तो आपको चाहिए ही नहीं बच्चों का। अच्छा सर जी हमारा कैमरा ना हिल जा, एंगल सही है, हिल गया जी, ये भी मतलब ऐसे ही है बस, असल में आजकल सरकार ऐसे लोगों की चल रही है, कहीं से कुछ ही गुजरा हो तो इन पे भी असर हुआ ही है। तो ये हाल है इंस्टीट्यूट, तो हम सिलेक्शन नहीं हुए कभी, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम में हम कभी फेल नहीं हुए, क्योंकि एंट्रेंस का हमारा तरीका यही था पैटर्न। मैंने बीएड यूनिवर्सिटी का दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस सिर्फ 8 दिन में क्लियर किया था, कितने दिन में, 8 दिन, सेल्फ स्टडीज। आप जिस दिन ठान लेंगे आपको किसी कोचिंग की किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं कोचिंग वाला ही कह रहा हूँ आपसे कि किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आप मुझे फॉलो करने नहीं जा रहे हो तो दुकान मेरी चलती रहेगी, टेंशन ना लो, ये टेंडेंसी है, ये मेंटेलिटी है, ठीक है। मैंने सीधा सा किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने के बाद, सीधा बता रहा हूँ आप सब लोगों को, फॉर्म भरने के बाद मैं गया दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के बाहर जो फॉर्म लेके बैठे रहते हैं, तो उनके पास वो फुटपाथ पे बैठते थे, उनके पास किताबें रखी हुई थी, तो मैंने बीएड के लिए फॉर्म भरा था, तो बीएड की मैंने किताब दे दो, उन्होंने कहा कौन सी, मैंने कहा कौन कौन सी हैं, सारी दे दो, ठीक है, हमारी प्रायोरिटीज़ होती है ना, मुझे मोबाइल तो 50,000 rupees वाला चाहिए, और किताब और कॉपी जो है ना 5 rupees वाला पेन दे दे और रफ कॉपी दे दे 15 rupees वाली, उससे ज़्यादा नहीं, ये मेरी प्रायोरिटीज़ है। तो फिर सर आपको रिटर्न भी वैसा ही मिलना है, आप पेन 50 rupees वाला लीजिए ना जिससे ग्रिप बहुत अच्छी हो, जिसका फ्लो बहुत अच्छा हो, अब आप पेन ही ऐसा ले रहे हो जो घिसक घिसक के लिख रहा है तो उससे स्पीड बनेगी, आप कॉपी इतनी रफ ले रहे हो उससे स्मूथनेस आ ही नहीं रही, आप 5 lines भी 1 minute में लिख पा रहे हो, कुछ पेपर होते हैं ना चिकने थोड़ा सा स्मूथ, तेज़ चलते हैं पेन, तेज़ चलता है उन पर, आप रफ लोगे तो वो नहीं चलेगा, तो ये प्रायोरिटीज़। हमने कहा सारी दे दो, उसने सारी किताबें दी, 5-6 किताबें दी, 8 दिन में सर सारी हजम, सारी हजम, पास में आई एंट्रेंस के लिए। अब इन्होंने पूछ लिया इसलिए कह रहा हूँ,
दो इंटरव्यू होते थे, ठीक है सर, सिलेक्शन तो किस तरह से हुआ होगा आप सोच सकते हैं, दो इंटरव्यू होते थे उसमें, उसमें एक इंटरव्यू होता था, मतलब बीएड दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे टफ है, और उस टाइम 98 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम सिर्फ तीन ही कॉलेज थे, जामिया बीएड कराता था या डीयू बीएड कराता था, दो कॉलेज थे सीओई सीआई, तो तीन कॉलेज 98 में, अब तो आईपी यूनिवर्सिटी के भी कुछ कॉलेजेस हैं। तो खैर हमारा इंटरव्यू में कॉल किया गया, जनरल इंटरव्यू हुआ। जनरल इंटरव्यू कैसा हुआ कि आप ये समझ सकते हो कि पैनल ने क्लैपिंग करी थी, इंटरव्यू में किसी स्टूडेंट्स के लिए अगर क्लैपिंग हुई होगी तो मेरे लिए तो हुई थी, पांच लोग थे उन्होंने क्लैपिंग करी थी, किसी और दिन बताऊंगा क्या क्वेश्चन पूछे थे, क्या मैंने जवाब दिए थे, ठीक है बताऊंगा किसी और दिन। लेकिन क्या हुआ फिर उसमें एक इंटरव्यू का एक पार्ट था, दूसरा इंटरव्यू था सब्जेक्टिव, जो आपको एज ए टीचर पढ़ाना है, तो मैंने सेलेक्ट किया था फिजिक्स और मैथ्स, कि माई सब्जेक्ट विल बी इन टीचिंग फिजिक्स एंड मैथ्स। 10 लोग थे, नो डाउट 72 सीट्स थी, उसमें 150 के करीब उन्होंने सेलेक्ट किया था इंटरव्यू, तो हमारे में से 10 स्टूडेंट थे एक एक पैनल के पास, और पांच पांच टीचर बैठते थे, बड़ा अच्छा सा माहौल था। तो 10 में से पांच लिए जाने थे मुझे पता था, मैंने कहा 72 लेने आउट ऑफ 150 तो 2:1 का रेशो है, ठीक है, तो 10 में से आधे तो लिए जाने। आप यकीन मानिए मेरा नाम एन से था और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सबको बुला रहे थे, तो हर किसी के 20 मिनट लग रहे थे भाई सब्जेक्ट की नॉलेज जानने के लिए, आप समझ सकते हो कितने 20 मिनट कम से कम। हम गए चेयर पे बैठे, ऐसी चेयर थी बैठे, उन्होंने हमसे पूछा इरेशनल नंबर्स बताओ, क्या बताओ, आप सबको पता है मुझे नहीं पता था, मैं साइलेंट। एकदम से दूसरा क्वेश्चन आया, आपने वो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल वो बताओ, नहीं आया। कितने सेकंड लगे होंगे दो क्वेश्चन में, तीसरे टीचर कहते हैं गो आप जाइए। अब सोचो आप कितना मज़ा आ रहा हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू, और मैं मेरिट यूनिवर्सिटी से हिंदी मीडियम से पढ़ने वाला, कुर्ता जीन्स और चप्पल में बैठा हुआ सामने आदमी, और उससे दो क्वेश्चन पूछे, और पिछले वाले जनरल इंटरव्यू में क्लैपिंग हुई हो, और बकवास तो जिससे कर रहा हूँ उस टाइम भी थोड़ी बहुत तो करता ही होगा, जुबान का ही तो खाता है टीचर, तो दिमाग था, प्रेजेंस ऑफ माइंड थी उस टाइम भी, तो बकवास तो कर लेता, लेकिन उन्होंने टीचर ने क्या कहा जाओ। अब आप यकीन मानिए मैं वहीं बैठा रहा कुर्सी पे ऐसे ही देर यूनिवर्सिटी में टीचर्स के सामने प्रोफेसर्स के सामने, अब वो मुझे देख रहे हैं मैं उन्हें देख रहा हूँ, कोई शर्म नहीं कोई हया नहीं, मैं क्या करोगे ज़्यादा सिलेक्शन नहीं करोगे यार, आज ही तो लास्ट है भाई, मेरी तुम्हारी क्या है आज लास्ट है, मैं कौन सा तुम्हारा रिश्तेदार या तुम कौन सा मेरे, मैं तुमसे शर्माऊँ तुम मुझसे शर्माओ, हाँ तो आर पार होनी है। वही बैठा रहा, उन्होंने फिर मुझे देखा, तो फिर जो मैं बोला वो बता रहा हूँ आपको, वो होना चाहिए, वही चीज़ क्लिक करती है एंट्रेंस। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मेरे 98% मार्क्स हैं एंट्रेंस में, कितने आपके पास रिजल्ट होगा चेक कर लो, रिटर्न में मेरे 98% कितने, अफसोस की बात मुझे नहीं पता था मेरे कितने मार्क्स, मार्क्स थोड़ा शो होते हैं, आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए बस खत्म, बट दैट वाज माय कॉन्फिडेंस कि मैंने जो रिटर्न अटेम्प्ट किया था उसमें इतने मार्क्स होने चाहिए, मैंने रिजल्ट आपके सामने आप चेक कर लो, और जनरल में मेरा सिलेक्शन हो चुका है, वहाँ क्लैपिंग हो चुकी है, तो मुझे क्या डिसलाइक, वहाँ वो ये पूछ रहे थे कि भाई आपकी मेंटेलिटी क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, कहाँ से आए हो, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, टीचर ही क्यों बनना चाहते हो, ड्यू से ही क्यों करना चाहते हो, तो वो आइडियल क्वेश्चंस थे, मैंने उनके आइडियल आंसर दिए थे, खैर बकवास करी थी। मैंने कहा आप जो मुझे पूछ रहे हो कि मेरा एंट्रेंस इतना अच्छा हुआ है, इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ है, और आप मुझे सेलेक्ट कर लो, यू जस्ट मी सेलेक्ट एंड आई विल बी द बेस्ट टीचर एंड आई विल टीच, जब मैं पढ़ाने जाऊंगा सर मुझसे अच्छा कोई टीचर नहीं होगा, बस आप पढ़ा आप मुझे सेलेक्ट कर लो। और ये कह के फिर भी वहीं बैठा रहा, उठा फिर भी नहीं, समझ रहे हैं सर। तो ये एंट्रेंस का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, कोई ना काट सके आपको, ये आपको उम्मीद होनी चाहिए कि नहीं मैंने जो किया है अटैम्प्ट वो अच्छा किया, सेलेक्ट हुआ बी एड किया, मतलब लास्ट में वो हंस पड़े थे, अच्छा भाई जाओ तो सही, ये सिचुएशन थी उनकी। मैंने कहा नहीं सर बता, अरे हाँ ठीक है अच्छा चलो तो सही, ये लास्ट में उन्होंने कह के हो गया था, फिर सेलेक्ट भी हुआ। तो प्लीज़ अपना एंट्रेंस उस तरह से करिए। तो मैं इसी तरह से आपसे कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप जीके, आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, अब तो सारे पेपर्स हैं और हमारी वेबसाइट पर सारे पेपर्स मैंने डालने शुरू कर रखे हैं, अगर आप जाओगे ना
तो मैंने बताया अभी, एक वीडियो भी बताई है, तो उस पर आप जाओगे ऑल एंट्रेंस पेपर मिलेंगे। पहले पढ़ने से पहले उस पेपर को कैटेगराइज करने की कोशिश करना। जीके और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ ना, आप किसी भी टॉपिक, इंग्लिश उठा लो, जीके करंट अफेयर्स उठा लो, लॉजिक रीजनिंग उठा लो, मैथ्स उठा लो, एक क्राइटेरिया है सर एंट्रेंस का, बस उसको समझ लो, आपका काम हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ आपसे, सर ध्यान रखिएगा, एक या दो क्वेश्चंस ऑथर्स पे आने ही आने हैं, किसने किताब लिखी है, इस राइटर ने इनमें से कौन कौन सी किताब नहीं लिखी है, लिखी है लाइक दिस, एक क्वेश्चन इस पे आना ही आना है। आपका एक क्वेश्चन जो है प्राइज पे या आपके अवार्ड्स पे आना ही आना है, ठीक है सर। एक क्वेश्चन आपका कैपिटल करेंसी या इस पे आना ही आना है सर, ठीक है सर। अब इसमें भी मैं बात करूं आपसे, इनमें दो कैटेगरी बनेगी सर, एक नेशनल बनेगी और एक इंटरनेशनल बनेगी सर। तो इसके दो दो क्वेश्चन हो गए एक तरह से, क्या नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड, नोबल पूछ ले आपसे इंटरनेशनल में, और ऑस्कर यहाँ पे आपसे पूछ ले के फिल्म अवार्ड में, इसमें द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की आप बात कर लें, एक या दो क्वेश्चन सर स्पोर्ट्स से आने ही आने। तो अगर आप इस तरह से कैटेगराइज करेंगे तो सर 20 क्वेश्चन के करीब तो आपके हाथ पे उंगलियों पे गिन सकते हो आप, कि इतने क्वेश्चन तो मेरे रेडी हैं। आइए सर बैठो, सर यहीं बैठ जाओ, आ गई, अंदर को जाओ सर, ठीक है सर। तो 20 क्वेश्चन है। अब मैं दूसरी चीज आपको और बताऊं, ये आपका अगर जो मैंने आपसे कहा था MBA का है, 2018 में इन लोगों ने लिस्ट पूरी वो करी थी, प्रिंट करी थी, तो 2018 में आउट ऑफ 170 मार्क्स जो सिलेक्शन हुआ था वो 127 पे हो गया, कितने पे, तो इसका मतलब आपको कितने टाइम करने थे, 130 140 वही क्या ना, 10-5 अगर गलत भी हो जाए तो आप स्कोर मैनेज हो जाए। ये टॉपर्स का था, और जो लास्ट गया था सर, ठीक है, जो लास्ट था स्कोर वो था सर जी, तो इसको स्टडी कर लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा सिलेक्शन कैसे होना। 81 था, 81 मीन्स 50 से नीचे है, 85 होता है 50%, कुछ समझ में आया। तो 81 पे सिलेक्शन हो गया था MBA फर्स्ट लिस्ट में, थर्ड लिस्ट तो पता नहीं कहां पहुंची होगी, ठीक है सर। तो 85 का मतलब ये, अगर आपने 85 क्वेश्चंस भी सही से कर दिए तो आपका स्कोर आ गया, यू गॉट द सिलेक्शन इन फर्स्ट लिस्ट, जैसे कहना चाहिए। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आप 70% भी अगर आप अपना पेपर अच्छे से कर लेते हैं तो काम चल जाएगा, कोई सा भी। आज हम बीएड के अपलोड करेंगे इस साल के पेपर, वो देख लेना, अभी मैंने स्कैन कराए हैं तो वो डालेंगे। कुछ समझ में आ रहा है सर, प्लीज़। तो देखो सर, अब आपको दिखाते हैं सर क्वेश्चंस कैसे कैसे आए थे, लेवल ऑफ क्वेश्चंस ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, दोनों को दिखाते हैं आपको।